हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एक्यास एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि सैनिक स्कूल गोपालगंज की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जो कि बहरिया पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन यहाँ पर अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए नोटिफिकेशन पर सबसे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, जो कि सैनिक स्कूल गोपालगंज के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। इस वैकेंसी डिटेल्स की बात करते हैं तो आपको नेम ऑफ द पोस्ट सबसे पहले देखने को मिल जाता है, जो कि है आपका पीजीटी यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए अनरिजर्व में है, जो कि एक वैकेंसी है। कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अब यहाँ पे जो वैकेंसी है, इसमें अप्लाई करने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 2 साल का आपका इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स आपका होना चाहिए, जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में होना चाहिए, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। बीएड साथ में आपका यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे टीचिंग जो है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में प्रोफिशियंसी आपके पास होनी चाहिए, और डिजायरेबल है तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया बेसिक पे काफी बढ़िया आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 साल से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, जो कि 1 अक्टूबर 2021 के अकॉर्डिंग काउंट यहाँ पे किया जाएगा। आगे यहाँ पे बात करते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, एक वैकेंसी है। इसके लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे बीएससी किया हुआ है या बीसीए किया हुआ है या बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट किया हुआ है मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट एंड 3 साल का आपने डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर आईटी में किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपने ग्रेजुएशन डिग्री किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, और एटलीस्ट कम से कम 1 साल का आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, या फिर आपने ए लेवल का DOEACC सर्टिफिकेट किया हुआ तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और मिनिमम में केस मैक्सिमम 35 से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वैकेंसी में जहां पे रेगुलर लिखा हुआ है वो परमानेंट जॉब है, और जिस वैकेंसी में यहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है, तो अगली वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर्स की। अब यहाँ पे अनरिजर्व में एक वैकेंसी निकालेगी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। एमबीबीएस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और सैलरी यहाँ पे चेक कर लीजिए, और एज लिमिट आपका 50 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात करते हैं वार्ड बॉय की अगली वैकेंसी है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जिसमें कि एक वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th क्लास के साथ साथ आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी होना चाहिए, और एसेंशियल यहाँ पे बी ए बी एस सी या बी कॉम की कम से कम डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सैलरी आपकी दी गई है 18 मिनिमम, मैक्सिमम 50 से ज्यादा एज आपका नहीं होना चाहिए। अगली वैकेंसी जो कि है जनरल एम्प्लॉय एमटीएस की वैकेंसी, इसमें 12 वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है, तो इसमें आप कोई भी 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे मैट्रिकुलेशन सिर्फ मांगा गया है, डिजायरेबल है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा, नहीं तो केवल मैट्रिक पास है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी आपको दी गई है 21,000 यहाँ पे मिलेगी सैलरी, और 18 से लेकर 50 साल तक एज लिमिट, यानी मिनिमम 18 मैक्सिमम 50 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 1 अक्टूबर 2021 के अकॉर्डिंग काउंट। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या करना है, ऑफलाइन वे में अप्लाई करना है। एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसका कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑफलाइन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल करके सेंड कर सकते हैं। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में आपको सेंड करना होगा। तब यहाँ पे दिया गया कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी आपको लगाने होंगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ देना होगा, और यहाँ पे एप्लीकेशन फी भी रखी गई है, जो कि बैंक ड्राफ्ट 500 रुपये का बनाना होगा जनरल ओबीसी कैंडिडेट को, और 400 रुपये फी है SC ST कैंडिडेट को, जो कि आपको किसके फेवर में बनाना है नीचे आपको मेंशन यहाँ पे किया गया है। अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे प्योरली मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन आपका होने वाला है। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म का 9 अक्टूबर 2021 रखा गया। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगाना है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एज लिखना है 1 अक्टूबर 2021 के अकॉर्डिंग, जेंडर यहाँ पे मेंशन करना है, कैटेगरी अपना लिखना है, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पे मेंशन करना है। इसके साथ ही नीचे आएंगे तो नाम, फादर्स नेम, इसी तरह से यहाँ पे कैटेगरी अपना मेंशन करना है, डिटेल्स आपका डिमांड ड्राफ्ट के बारे में देना है, अपना जितना भी प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस है सभी देना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देना है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसके बारे में जानकारी देंगे, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे, एक्सपीरियंस अगर है तो एक्सपीरियंस का आप जानकारी यहाँ पे देंगे। इसी तरह से डिक्लेरेशन नीचे आता है, और इस तरह से फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।